मैं हूं मुज्तबा। आज हम इक्वेशन ऑफ मोशंस करेंगे, तीनों लॉ को ड्राइव करेंगे लेकिन ग्राफिकल मेथड से। तो हम बात करते हैं दी SUVAT। तो S हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है। U इनिशियल वेलोसिटी है, V फाइनल वेलोसिटी है, A फॉर एक्सीलरेशन, T फॉर टाइम। ये मैंने कैप्स में लिखा है। नॉर्मली एक्सीलरेशन ए स्मॉल में, ये वी फाइनल वेलोसिटी, ये यू, ये एस और ये टी, इस तरह लिखा जाता है। लेकिन हम इसको सिर्फ बताने के लिए, मेंशन करने के लिए कि ये चीज़ें क्या हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एस हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। V क्या है हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी है। A क्या है हमारे पास? एक्सलेशन है। और T क्या है हमारे पास? टाइम है। तो हम पहले ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे और उसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये एक हमारे पास एरिया है, जो ये हमारे पास टाइम है और ये हमारे पास स्पीड है। एरिया हम रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि यू इंटू टी। और ये जो है, ये हमारे पास एरिया है जिसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। ग्रेडियंट किस तरह होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, दैट इज राइज अपॉन रन। जब हम स्लोप निकालते हैं तो वाई अपॉन एक्स निकालते हैं। तो वाई हमारे पास क्या है? वी माइनस यू अपॉन टी। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो होता है वो हाफ वी माइनस यू इंटू टी। तो ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आ गया। यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं। तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये थ्रू ग्राफ भी हमें समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी माइनस यू ओवर टी इज इक्वल टू ए। सो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। सो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस बिकम्स द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब नेक्स्ट करते हैं। अब हमने ग्राफ में ये देख लिया था, मैं यहाँ पे भी ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि आपने वहाँ उसको चेक कर लिया है। एक आपके पास रेक्टेंगल का एरिया था, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और दूसरा था एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये दो एरियाज थे। तो जो एरिया आपके पास रेक्टेंगल का था वो था बेस इनटू हाइट, और जो एरिया आपके पास ट्राइंगल का था वो हाफ बेस इनटू हाइट।
एक आपके पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल था और दूसरा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल था। जो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल था वो आपके पास था यू इंटू टी, और जो ये था वो हाफ टी वी माइनस यू, ये तो आ गए। तो जो डिस्टेंस है वो टोटल एरिया का है, वो क्या था यू टी प्लस हाफ क्योंकि ये जो चीज़ है चेंज इन वेलोसिटी ये आपके पास एक्सलेशन की थी, तो ए टी इंटू टी। तो टी तो आपके पास था और यू माइनस वी जो था वो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम तीसरे की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे। अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें हम एलिमिनेट करेंगे टाइम को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो पहले हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास t इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर a आ जाएगा। जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमें मालूम है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बात ये थी कि हमें t एलिमिनेट करना है इसमें से, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से t को डेवलप किया है v माइनस यू अपॉन ए, वो इसमें सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो s इज इक्वल टू यू माइनस ब्रैकेट स्टार्ट v माइनस यू ओवर a ब्रैकेट क्लोज प्लस हाफ a v माइनस यू ओवर a ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। हम लिखेंगे s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर ओवर a प्लस a ओवर टू, इसको खोल लेते हैं, v स्क्वायर माइनस टू यू वी प्लस यू स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। अब यहाँ ये 2a स्क्वायर है और ये a है, इसका स्क्वायर और इसका a एलिमिनेट कर देते हैं, हमारे पास बचा s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर ओवर a प्लस 2a v स्क्वायर माइनस 2u v प्लस u स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, s इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ आ गया 2a। अब इस 2a को a से जब डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। अब इस तरह भी कर सकते हैं या फिर इसको और मेथड भी हैं करने के, तो जो हमें आसान लगता है उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको सॉल्व कर लें। तो हमारे पास अब जब एलसीएम ले लेंगे तो 2 बचेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 2uv माइनस 2u स्क्वायर
और ये पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी, वी स्क्वायर माइनस टू यू वी प्लस यू स्क्वायर। अब माइनस टू यू वी और प्लस टू यू वी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एस इज इक्वल टू माइनस टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। अब ये टू ए उधर से जाएगा, टू ए एस इज इक्वल टू माइनस टू यू स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन क्लियर हो गई होगी। दो मेथड्स, एक ग्राफिकल और एक अलजेब्रिक मेथड से किया है, तो ये सारा आपको उम्मीद है कि किसी एक अंदाज से आप कर सकते हैं।